और अगला तो 12 घंटा में औरंगाबाद का डिप्रेशन में दूर करने का चांसेस है। मीन्स आज इवनिंग में आएगा हमारा डिप्रेशन होने का चांसेस है। फिर सब्सिक्वेंटली आप इसका मूवमेंट हमारा नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड रहेगा और सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है। फिर सबसे इसका मूवमेंट और भी नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड ही रहेगा और 4 तारीख मॉर्निंग सुबह तक ये वेस्टर्न टाइम बे ऑफ बंगाल और हमारा नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड साउथ उड़ीसा कोस्ट का बाद में आने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड होने का चांसेस है। ये है हमारा सिस्टम का डिटेल्स और साइक्लोनिक स्टॉर्म जब होगा हमारा उसका लोकेशन सेंट्रल वेव पर रहेगा और इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में जो सी एरिया में हमारा हाइस्ट विंड स्पीड 90 to 100-110 गास्टिंग में जा सकते हैं सी एरिया में। ये हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म का हाईएस्ट इंटेंसिटी अभी हम लोग जो प्रेडिक्ट किया है। इसका प्रभाव जो है हम ऑलरेडी पहले से बोल चुका है, फिशरमैन को जो भी अभी तक डीप सी एरिया में है उनको इमीडिएटली अभी कोस्ट एरिया में वापस आना है आज ही, और कल से 3 तारीख से 5 तारीख तक फिशरमैन को बिल्कुल समुद्र जाना मना है। ये फिशरमैन के लिए वार्निंग है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इसका प्रभाव में हमारा उड़ीसा में होने का चांसेस है। एक्सट्रीमली हैवी भी एक दो जगह में होने का चांसेस है। मैक्सिमम एक्टिविटी 4 तारीख को रहेगा बट रेनफॉल एक्टिविटी 3 तारीख कल से शुरू होने का चांसेस है और कल भी हमारा एक दो जगह में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मेनली गजपति गंजाम में और हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। कोरापुट, रायगढ़, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपुरा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में एक दो जगह में होने का चांसेस है बट कल मेनली हमारा मैक्सिमम रेनफॉल जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी कल नाइट का तरह स्टार्ट होने का चांसेस है। और फिर 4 तारीख में हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर भी एक दो जगह में होने का चांसेस है। ये गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मीन्स अप टू 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एक दो जगह में होने का चांसेस है। खुर्दा, नयागढ़, कटक, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, केंद्रपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। फिर और हैवी रेनफॉल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है एक दो जगह। फिर 5 तारीख में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा बट 5 तारीख में रेनफॉल एक्टिविटी हमारा नॉर्थ उड़ीसा का नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का तरफ शिफ्ट होने का चांसेस है। ये रेनफॉल एक्टिविटी का ये वार्निंग हम लोग दिया है मेनली पहले से जो दिया है वही है और हमारा जो विंड का रिगार्डिंग जो है हेलोंग एंड अप उड़ीसा कोस्ट कल नाइट से मिडनाइट से स्क्वाली वेदर शुरू होने का चांसेस है। इसमें कल मिडनाइट का बाद से हमारा 45 to 55 गास्टिंग में 65 तक हेलोंग साउथ उड़ीसा कोस्ट मेनली उसका बाद धीरे धीरे नॉर्थ में भी स्क्वाली वेदर होगा और अभी अलोंग द कोस्ट मैक्सिमम जो हम लोग दिया है उसमें ग्रेजुअली 4 तारीख तक में इंक्रीज हो सकता है। उसमें अलोंग द कोस्ट 70 to 80 कास्टिंग में 90 तक दिया है विंड का। ठीक है, ये है विंड वार्निंग और इसका इम्पैक्ट में ऑलरेडी फिशरमैन को तो बोला है और हमारा पोर्ट का एक्टिविटी व जो कोस्टल स्टेशन जैसे हमारा चिल्का लेक का जो एक्टिविटी रहते हैं प्लस हमारा जो पोर्ट्स है पोर्ट्स का एक्टिविटी रहते हैं INS चिल्का है, ITR चांदीपुरा ये सब जो एक्टिविटी चलते रहे कोस्टल एलोंग द कोस्ट लाइन जो मेजर इंस्टॉलेशंस है उनका जो एक्टिविटी 3 तारीख कल से रेगुलेट करना चाहिए, 4 तारीख में सस्पेंशन रखने से ही ठीक रहेगा। इसके लिए हम लोग एडवाइस दिया है और मेन जो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर का पहले से ही बोला है अभी हार्वेस्टिंग सीजन है पैटी का तो हार्वेस्ट कंप्लीट करना के एडवाइस किया गया है और बाकी रोबी क्रॉप का सोइंग सीजन है सोइंग का अभी पोस्टपोन रखना ही सही रहेगा और बाकी और भी जो एडवाइजरी दिया है डिटेल्स बुलेटिन में हमारा है। लैंडफॉल अभी भी हमारा अवपात व डिप्रेशन नहीं दिया है तो लैंडफॉल का अभी सुस्पष्ट नहीं हुआ है बट इसका मोमेंट हमारा 4 तारीख में हमने बोला हमारा 4 तारीख में कोस्ट का पास से आएगा और इसका उसका बाद फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड जाएगा तो अलोंग द कोस्ट हमारा इसका इम्पैक्ट मेनली जो रेनफॉल का हमने बोला है वो रहेगा और स्क्वाली वेदर तो रहेगा। बाकी आपका अपडेट फिर हम आबो पर बनने के बाद फिर देंगे। तो विंड नहीं होगा, नहीं विंड नहीं होगा ऐसा बोला नहीं ना, स्क्वाली वेदर तो होगा बोला अलोंग द कोस्ट। ठीक है,
लैंडफॉल का पॉइंट अभी बोला नहीं ना, लैंडफॉल का आपका अनसर्टेनिटी है, हमारा कोस्टल एरिया में लैंडफॉल ये हो सकता है, अलोंग द कोस्ट भी जा सकता है, और उसका अभी अनसर्टेनिटी है, तो फिर बाद में हम लोग लैंडफॉल के साथ टाइम विंड स्पीड क्या रहेगा? लैंडफॉल का अभी बोला ही नहीं है, बोला ना सर ओडिशा कोस्ट जाएगा पूरी जो भी है हमारा जो वेदर वार्निंग है इसमें वार्निंग में रेनफॉल का वार्निंग है, विंड का भी अलोंग द कोस्ट हमने बोला स्क्वाली वेदर प्लस ये रहेगा, फिशरमैन का वार्निंग है मेनली, और अभी जो हार्वेस्टिंग सीजन है तो जो भी थोड़ा विंड होने से भी पूरा विंड होने से भी आपका एग्रीकल्चर का एक्टिविटी का ये का हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी जो पैडी है पैडी का आपका विंड थोड़ा होने से भी वो गिर जाएगा, इसलिए उसका है पोर्ट वार्निंग आपका अभी तो अवबाद बनने से तो अभी जारी होता है, अवबाद बनने का बाद फिर हमारा डिस्टेंस वार्निंग जारी होता है, धीरे धीरे उसका ये होता है, बट 4 तारीख में तो आपका वार्निंग तो पोर्ट में कुछ रहेगा, बट वो सिग्नल वो रहेगा आपका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और पोर्ट इंडिविजुअल पोर्ट का वार्निंग रहते हैं किस आपका कौन सा पोर्ट का ज्यादा ये वो बाद में देते हैं हम लोग। नहीं अभी तो साइक्लोन हुआ ही नहीं है, अभी तो आपका लो ऑयल मार्क लो प्रेशर एरिया है, अभी आज अवपात बनेगा तब अभी अभी तो आपका सभी जो इम्पैक्ट है जो एक्शन लेना है सब कुछ बता दिया। जितना भी साइक्लोन आया है इस साइक्लोन की तरह ये साइक्लोन होगा? अभी हमारा दिसंबर महीने में जो है उड़ीसा में एक भी साइक्लोन हिट नहीं किया है दिसंबर में, दिसंबर महीने का में, बट इसमें 1981 से 2000 तक देखने से हम लोग का 5 साइक्लोन जो हमारा आंध्र प्रदेश मेनली हमारा साइक्लोन उड़ीसा को इफेक्ट करते हैं, नॉर्थ आंध्र प्रदेश को हिट करने से बांग्ला हमारा थ्रू अलोंग द कोस्ट लाइन जा करके फिर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश इस तरफ जाते हैं, ये सब साइक्लोन हिट करते हैं, तो इस तरह से 5 साइक्लोन आपका हुआ है। लेटेस्ट जो आपका 2018 में था ये हमारा पिठाई था, आपको याद होगा पिठाई में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर इस पीरियड में था, तो पिठाई जो था उस समय वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट किया था, बट इसका हमारा इम्पैक्ट उड़ीसा में था, ठीक है, तो वो फिर नॉर्थ वाड़ी भी गया था वो उसका बाद हिट करने का बाद साइक्लोन होने का संभावना है। हाँ साइक्लोन होने का तो बिल्कुल संभावना है। किलोमीटर अभी तो सेंटर डिफाइन नहीं हुआ ना, अवपात बनने से बाद सेंटर डिफाइन होता है, बट उसका क्योंकि अभी एरिया होता है लो प्रेशर एरिया जो एक एरिया होता है, बट इसका आप बोला मोर देन 1000 किलोमीटर दूर में है, क्योंकि साउथ ईस्ट बे का इसका ये है साउथ ईस्ट बे हमारा जो अंदामान साउथ ईस्ट बे उस एरिया अबाउट 1000 किलोमीटर दूर होता है उड़ीसा कोस्ट से।